हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है एंड आपको ऑर्डर बताना है एंड द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। डायमेंशंस मतलब यूनिट्स बताने हैं बेसिकली रेट कांस्टेंट के, ठीक है। एंड देखो सिंपल सा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, जो पावर में जो भी चीज़ें होती हैं इनको ऐड कर दो वो ऑर्डर बन जाता है। तो फर्स्ट रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो आएगा 2 सेकेंड ऑर्डर। एंड फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन जो के यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड मास। अब जैसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, के इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये बनेगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्लियर। सिमिलरली अब जैसे सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 1, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, 2। ऑर्डर 2 है तो यूनिट्स भी क्या रहेंगे, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर तो सेम है, एन वैल्यू तो सेम रहेगी तो यूनिट्स भी सेम आएंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 3/2। ऑर्डर क्या है, 3/2, तो जो यूनिट्स आएंगे वो क्या आएंगे, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 3/2 सेकेंड इनवर्स, क्लियर। तो बेसिकली जो यूनिट्स बनेंगे सॉल्विंग पे वो बनेंगे लीटर लीटर रेस टू द पावर 1/2, मोल रेज टू द पावर -1/2 एंड सेकेंड इनवर्स, क्लियर। सिमिलरली अब ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ऑर्डर लास्ट पार्ट सॉरी फोर्थ पार्ट, इसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 1। ऑर्डर 1 है तो के यूनिट्स क्या बनेंगे, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो सिर्फ सेकेंड इनवर्स बचेगा या टाइम इनवर्स बेसिकली, क्लियर। होपफुली आपको समझ आ गया, थैंक यू।